ना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा हाउ टू ट्यूटोरियल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेजिन राखी, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं रोली और चावल का। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ज़ीनत्स क्रिएशंस। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट्स बता देती हूँ। हमने 15 ग्राम्स दो अलग अलग कप्स में, डिस्पोजेबल कप्स में कर लिया है। 15 ग्राम्स कैसे, 5 ग्राम ऑफ हार्डनर एंड 10 ग्राम ऑफ रेजिन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मिक्स कम्प्लीटली। अच्छे से उसको थोरोली मिक्स कर लेंगे, उसको रेस्ट देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जितने भी उसके बबल्स हैं वो ऊपर निकल कर आ जाए। ठीक है, ज़्यादा बबल्स की प्रॉब्लम पिगमेंट वाले पोर्शन में नहीं रहती, तो जिसमें हम रोली डालेंगे उस वाले एरिया में ज़्यादा बबल्स आएंगे ही नहीं। बट हाँ, जिसमें हम चावल डालेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें काफ़ी बबल्स आएंगे। बिकॉज जब भी हम कोई ऐसी टफ़ चीज़ या पोरस चीज़ हम किसी भी रेजिन में डालने वाले हैं मिक्सचर में, तो उसमें बबल्स आएंगे। सो इफ़ यू जूम आउट दिस वीडियो तो यहाँ आप देख पाओगे कि बबल्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, बबल रिमूवर्स यूज़ करूँगी। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इफ़ यू वॉन्ट ऑल द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन आर लाइव एंड ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। सो उसके लिए भी डिटेल्स कॉमेंट्स में भी मिल जाएंगी आपको, पिन कॉमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो इसी तरीके से हमने मोल्ड रख लिया है। यहाँ मोल्ड पे टोटल 12 राखी के मोल्ड हैं, अलग अलग शेप के। हाफ साइड हम सबसे पहले चावल वाला एरिया पो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चावल वाला एरिया क्यों पहले पो कर रहे हैं, बिकॉज जो चावल वाला एरिया है वही ज़्यादा टफ है। मतलब उसमें पार्टिकल मोटे हो गए ना, चावल के पार्टिकल जो हैं मोटे हैं, तो वो स्पेस ज़्यादा लेंगे, तो हम पहले ही उसको डाल देते हैं। बिकॉज अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो हो सकता है रेजिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और वो मोल से बाहर निकले, और फिर ऑफकोर्स हमारा जो है राखी की शेप ही पूरी बिगड़ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हाफ हाफ एरिया में हमने जो है चावल डाल दिया है, और अब हम जो है रोली वाला पार्ट बाकी के आधे एरिया में डाल देंगे। सो लेट्स डू दैट। ओके, हो गया है ये कंप्लीट हमारा चावल वाला पोर्शन। अब ये रोली वाले को भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे अगर इसमें बबल्स हैं तो उसको रिमूव कर देंगे। और आई सजेस्ट कि आप ना थर्माकोल वाले इसी टाइप के कप ज़्यादा लें, बिकॉज मैं पहले प्लास्टिक के कप ज़्यादा लेती थी, वो इस तरह से फोल्ड नहीं हो पाते। और जैसा आप देख सकते हो ना, थर्माकोल वाला फोल्ड हो रहा है, वो वाला फोल्ड नहीं हो पाता था, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बाहर पिगमेंट निकलने का डर रहता था। बट इससे वो चीज़ नहीं है, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसकी वजह से जो छोटे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे हमारे पेंडेंट्स हो गए या फिर और की चेन हो गई, वो बहुत इजीली पोर होते हैं। देखो कितना स्मूथली पोर हो रहा है, और बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत इजी है इसको बनाना। ओके, सो दिस इज़ डन। और ये लिटरली वाकई में बहुत ज़्यादा इजी है, ये ऑलमोस्ट हो गया है। सारे ही मोल्स में जो है हमने रेजिन डाल दिया है दोनों तरीके से। कहीं कहीं पे अगर आपको बबल दिख रहे हैं तो आप बबल रिमूवर लीजिए, अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा इसकी क्वांटिटी मत रखना, क्योंकि अगर बबल रिमूवर की क्वांटिटी हम ज़्यादा कर देते हैं बाद में, उस टाइम पे आपके बबल चले जाएंगे, बट क्या होगा, जब ये पूरा आइटम बन जाएगा उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में क्रैक्स पड़ जाएंगे। यस, क्रैक्स पड़ जाएंगे, कई बार ऐसा होता है। सो अभी मैं इसको फाइनली आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये रेडी हो गया ऑलमोस्ट। तो बचा हुआ जो रेजिन था, चावल वाला भी और रोली वाला भी, उसको हमने एक छोटे से सर्कल में डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। जो हमने थंबनेल में आपको मिनी थाली दिखाई है, वो हम इसी से ही बनाएंगे। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, बट तभी मैंने देखा कि अभी तो बहुत रेजिन बच रहा है, तो हम मैंने फटाफट वाला मोल्ड लिया और इसमें पो कर दिया। और अब हम सिंपल, जब हमारी राखी सूख जाएगी अच्छा खासा, कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद आप ये वाला काम करें। स्टिकर्स लीजिए, और स्टिकर्स को बस हमने क्या करना है, अच्छे से कट करना है उसके आउटलाइन वगैरह, एंड देन उसको सिंपली ला के अपनी राखी में
अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो मैं एक टिप देना चाहूँगी या आप कह सकते हो जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है कि आपको देखना है कि आखिर में राखी की शेप कैसी जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे कहीं कहीं पे राखी के जो होल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली दे रखे हैं और कहीं पे वर्टिकली दे रखे हैं। तो मैं भी ये गलती पहले कर चुकी हूँ, मैंने गलती से सारे सीधे सीधे लगा दिए थे, फिर बाद में देखा तो राखी पहनते वक्त वो पूरा उल्टा दिख रहा था भाई जो लिखा हुआ है। सो इसी तरीके से आप गलती मत करिएगा और पहले देख लीजिएगा कि राखी की शेप क्या बैठ रही है। जैसे आप देख सकते हो जो ऊपर जो स्क्वायर्स हैं तो वो राखी पहनने के बाद कैसे होंगे, है ना। सो बस उसी हिसाब से आपको अपनी शेप के हिसाब से अलग अलग आप स्टिकर्स काट सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने ये सब मटेरियल कहाँ से ख़रीदा सो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक्स दे दूँगी, अदरवाइज़ वाई आई प्रमोट अनदर ब्रांड्स, है ना। ओके, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, आप बस कॉमेंट कर देना एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। ओके, सो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं इस टाइप के और अमेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप उनको बाय करना चाहते हैं। अब फाइनली हम एक पतली सी लेयर जो है रेजिन की इसके ऊपर डालेंगे। अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी रखी थी टोटल वो है 30 ग्राम ऑफ रेजिन। इसमें मैंने 10 ग्राम लिया था रेजिन हार्डनर और 20 ग्राम लिया था रेजिन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया, उसको रेस्ट दिया 5-10 मिनट के लिए ताकि उसके बबल्स हट जाएं, एंड जो बबल्स थे वो मैंने बबल रिमूवर से मिटाए एंड फाइनली हमने उसको फाइनल एक ऊपर टच दे दिया। अभी हमने राखी को मोल्ड से बाहर नहीं निकाला है, अनमोल्ड नहीं करा है, बिकॉज अगर हम अनमोल्ड करने के बाद ये फिनिशिंग करेंगे जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह करते हैं तो उसके जो छेद होते हैं जहाँ पे हमारा थ्रेड डालना है वो बंद हो जाता है। ओके, तो हमारी थाली भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम लोग दो कटोरी रखेंगे प्यारी प्यारी सी प्लास्टिक की, हाँ मैंने ली है, एक स्टिकर लगाएंगे और बचा हुआ सारा रेजिन इसमें पो कर देंगे। ऑलमोस्ट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो यही लगती है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रेजिन को वेस्ट ना करें, बिकॉज इट्स डज नॉट ओनली सेव योर मनी बट कि ये हमें नेचुरल के लिए, मतलब आई मीन नेचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब जब 8 घंटे हो जाएं तो हम इसको अनमोल्ड कर लेंगे 8 घंटे बाद, और आप देख सकते हो ये अभी से ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। चावल वाला एरिया क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसकी अब हम आउटलाइन कर देंगे बढ़िया से पेंट मार्कर से। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे टाइप के पेंट मार्कर्स हैं, अलग अलग शेड्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि सिल्वर में, है ना, पिंक में, गोल्ड में। तो उसी तरीके से आप अलग अलग जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है गोल्ड, सो इसलिए मैंने गोल्ड ही लिया है। और आप जैसे देख सकते हो इस तरह से हमने जो है उसकी पूरी आउटलाइन करनी है, और आप चाहो तो जो थाली है उसके ऊपर इससे लीव्स वगैरह डिज़ाइंस भी बना सकते हो, बट आई डोंट लाइक इट सो मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद जो हम राखी है इसकी भी आउटलाइन अच्छे से कर लेंगे लाइक दिस, और सारी राखी इसकी आउटलाइन हम इसी तरीके से करेंगे। और आप देख सकते हो जैसे कि आउटलाइन करने के बाद भी ना मैं ऊपर हल्का सा इसको टैंगल करके लगाऊंगी ताकि इसकी जो हल्की सी आउटलाइन है वो राखी के ऊपर भी दिखे। एक्चुअली में ये क्लाइंट की चॉइस नहीं थी, मुझे पर्सनली ही ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा अभी फ़िलहाल लग रहा है और इनकी बॉर्डर बनाने के बाद, आउटलाइन करने के बाद ये कैसे लगेंगे। दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, आप देख सकते हो 19-20 का नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसकी पूरी की पूरी ब्रांडिंग ही बदल गई है, फिनिशिंग ही बदल गई है, और हमारी थाली भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। छोटी जो बच्चियाँ होती हैं वो ये थाली डेफिनेटली ले सकती हैं अपने भाई को राखी बांधते वक्त। अब हम इनमें थ्रेड्स लगाएंगे। Thank you.